हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आज की क्लास में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और इस स्टोरी से आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीख भी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नेम है द मैन एंड द बटरफ्लाई। द मैन एंड द बटरफ्लाई मतलब आदमी और तितली। ये स्टोरी, ये कहानी है एक आदमी और एक तितली की, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहली लाइन देखिए, वन डे अ मैन फाउंड अ स्मॉल ओपनिंग अपीयर इन अ कोकोन। वन डे मतलब एक दिन, अ मतलब होता है एक, मैन मतलब आदमी, फाउंड मतलब होता है पाया, ठीक है। वन डे अ मैन फाउंड, फाउंड मतलब होता है पाया, आ मतलब होता है एक, स्मॉल मतलब आप लोग को पता है कि छोटा होता है, ठीक है। ओपनिंग मतलब होता है कोई छेद, ठीक है, छिद्र जिसे कहते हैं छेद। अपीयर मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है। इन मतलब होता है मे, और कोकोन मतलब कोकोन जिससे तितली निकलती है, ठीक है। वन डे अ मैन फाउंड अ स्मॉल ओपनिंग अपीयर इन अ कोकोन। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, फाउंड मतलब पाया, आ मतलब एक, छोटा छेद स्मॉल ओपनिंग छोटा छेद, अपीयर मतलब दिखाई दिया कोकोन में, ठीक है। एक दिन एक आदमी को कोकोन में एक छोटा छेद दिखाई दिया। वन डे अ मैन फाउंड अ स्मॉल ओपनिंग अपीयर इन अ कोकोन, एक दिन एक आदमी को कोकोन में एक छोटा छेद दिखाई दिया, ठीक है। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मोहित होना या बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। ही सैट का मतलब होता है वह बैठा। एंड और वॉच्ड, वॉच मतलब देखा, द बटरफ्लाई तितली को, ठीक है। फैसिनेटेड ही सैट एंड वॉच द बटरफ्लाई, वो बहुत ज़्यादा मोहित होकर खुशी होकर बैठा और तितली को देखने लगा। फॉर मीन्स होता है लिए। सेवरल मीन्स होता है कुछ। आर्स मीन्स होता है घंटे। फॉर सेवरल आर्स मतलब कुछ घंटों के लिए। एज इट स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। टू फोर्स का मतलब होता है ताकत। इट्स बॉडी अपने शरीर को, मतलब किसके बारे में बात हो रही, तितली के बारे में, तितली के शरीर के बारे में, ठीक है। इट्स बॉडी तितली का शरीर, ठीक है। थ्रू मतलब होता है में से। द लिटिल मतलब छोटा। होल मीन्स छेद, ठीक है। फैसिनेटेड ही सैट एंड वॉच द बटरफ्लाई फॉर सेवरल आवर्स, बहुत मोहित होकर वो बैठा और बहुत देर तक, बहुत घंटों तक वो तितली को देखता रहा। एज इट स्ट्रगल टू फोर्स इट्स बॉडी थ्रू द लिटिल होल, ठीक है। वो मोहित होकर मतलब बहुत खुशी से बैठा और घंटों तक तितली को कोकोन के छोटे से छेद से बाहर आने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल मतलब होता है ना संघर्ष करते देखता रहा, ठीक है। एक दिन एक आदमी कोकोन में एक छोटा छेद दिखाई दिया एक आदमी को, वो बहुत मोहित होकर मतलब बहुत खुशी से बैठा और घंटों तक तितली को कोकोन के छोटे से छेद से बाहर आने के लिए संघर्ष करते देखता रहा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, देन इट सीम्ड, देन का मतलब होता है तब, इट सीम्ड का मतलब ऐसा प्रतीत हुआ। टू स्टॉप का मतलब होता है बंद हो जाना या रुक जाना। मेकिंग का मतलब होता है करना या बनाना। एनी मतलब होता है कोई। प्रोग्रेस का मतलब होता है विकास। देन इट सीम टू स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस, देन का मतलब तब ऐसा प्रतीत, सीम का मतलब होता है प्रतीत, टू स्टॉप मतलब बंद हो जाना या करना, मेकिंग का मतलब होता है ना करना या बनाना, एनी मतलब कोई, प्रोग्रेस मतलब विकास। इट अपीयर्ड का मतलब होता है ऐसा लगा। एज इफ का मतलब मानो। इट हैड गॉटन का मतलब होता है कर लिया। As far as जितना हो सके, as far as का मतलब होता है जितना हो सके। It could का मतलब वो कर सकी, ठीक है। Could का मतलब past में करते हैं ना कि जितना वो कर सकी, ठीक है। And could go no further, further का मतलब होता है आगे जाना, further का मतलब आगे जाना। Then it seemed to stop making any progress, it appeared, ऐसा लगा कि जो प्रोग्रेस हो रहा था, जो विकास हो रहा था, जो वो मेहनत कोशिश कर रही थी, वो स्टॉप हो गई, वो रुक गई, और उसे जितना आगे जाना था, जितना आगे जाने के लिए वो मेहनत कर सकती थी, उसने उतनी मेहनत कर ली, ठीक है। देन इट सीम टू स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस, इट अपीयर्ड एज इफ इट हैड गॉटन एज फार एज इट कुड एंड कुड गो नो फर्दर।
इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि और ऐसा दिखाई दिया या ऐसा लगा कि उसे जितना प्रोग्रेस करना था या जितना आगे जाना था वह चली गई, अब इससे आगे वह नहीं जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, द मैन वेटेड, द मैन मतलब आदमी, वेटेड मतलब इंतज़ार किया, द मैन वेटेड, आदमी ने इंतज़ार किया, एंड मतलब और, देन मतलब तब या फिर, डिसाइडेड मतलब फैसला लिया, द मैन वेटेड एंड देन डिसाइडेड, आदमी ने इंतज़ार किया और फिर फैसला लिया, टू हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद, द बटरफ्लाई, किसकी मदद, तितली की मदद, ठीक है, विथ, विथ का मतलब होता है साथ, आ मतलब होता है एक, पेयर मीन्स होता है जोड़ी, ऑफ सीजर, सीजर मतलब होता है कैची, कैची को इंग्लिश में सीजर कहते हैं, ठीक है, द मैन वेटेड एंड देन डिसाइडेड टू हेल्प द बटरफ्लाई विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स, ही स्निप्ड, स्निप्ड का मतलब होता है कुतरना, द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, बिट, बिट का मतलब होता है थोड़ा या थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, ऑफ द कोकून, कोकून का थोड़ा सा पार्ट, द बटरफ्लाई मतलब तितली, देन मतलब तब, इमर्ज्ड मतलब होता है ऊपर आना या उससे ऊपर उठना जहाँ पर वो थी, ठीक है, ईजली, ईजली मतलब आसानी से, द मैन वेटेड, आदमी ने इंतज़ार किया एंड देन डिसाइडेड और फिर फैसला लिया, टू हेल्प द बटरफ्लाई, तितली की मदद करने का फैसला लिया, विथ अ पेयर ऑफ सीजर, कैचे की एक जोड़ी के साथ, ही स्निप्ड, उसने कुतरा तितली के जो कोकोन का बचा हुआ हिस्सा था, बिट ऑफ द कोकोन, कोकोन का जो बचा हुआ हिस्सा था उसे उसने कुतर दिया, जिससे क्या हुआ, बटरफ्लाई यानी कि तितली जो थी वो ऊपर आ गई आसानी से, ठीक है, आदमी ने इंतज़ार किया और फिर उसने तितली की मदद करने का फैसला लिया, उसने एक जोड़ी कैची के साथ तितली के बचे हुए कोकोन को कुतर दिया, मतलब जो छेद था उसको उसने बड़ा कर दिया जिससे तितली आसानी से ऊपर आ सके, बाहर निकल सके, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आदमी ने तितली की मदद तो कर दी, अब आगे देखिए क्या होता है, ठीक है, बट अलास, बट मीन्स होता है लेकिन, अलास मीन्स होता है अफसोस या हाय, इस वर्ड का यूज़ हम लोग दुख को जाहिर करने के लिए करते हैं, ठीक है, इट डिड नॉट अनफर्ल, अनफर्ल मीन्स होता है फैलाना, इट्स विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख, बट अलास इट डिड नॉट अनफर्ल इट्स विंग्स, लेकिन अफसोस वह अपने पंख नहीं फैला पाई, ठीक है, तितली अपने पंख नहीं फैला पाई, एंड फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, ग्रेसफुली, ग्रेसफुली मीन्स होता है शान से, अवे, अवे मीन्स होता है दूर, और वो उड़ गई दूर शान से, ठीक है, द बटरफ्लाई हैड अ स्वेलन बॉडी, स्वेलन मीन्स होता है सूजा हुआ, ठीक है, बॉडी मतलब शरीर, एंड श्रिबलेट, श्रिबलेट मीन्स होता है सिकुड़े हुए, विंग्स, विंग्स मतलब पंख, बट अलास इट डिड नॉट अनफर्ल इट्स विंग्स एंड फ्लाई ग्रेसफुली अवे, द बटरफ्लाई हैड अ स्वेलन बॉडी एंड श्रिबलेट विंग्स, लेकिन अफसोस वह अपने पंख नहीं फैला पाई और सांस से दूर उड़ गई, लेकिन उसका शरीर जो था वो सूजा हुआ था और उसके पंख भी सिकुड़े हुए थे। द मैन कंटिन्यू टू वॉच द बटरफ्लाई, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, टू वॉच, वॉच मीन्स होता है देखना, द बटरफ्लाई तितली को, होपिंग, होपिंग मीन्स होता है आशा या उम्मीद, दैट द विंग्स, विंग्स मतलब पंख, वुड मतलब होता है होंगे, इनलार्ज, इनलार्ज मतलब होता है बड़े, एंड एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब होता है फैलना, टू बी एबल, एबल मतलब होता है सक्षम, टू सपोर्ट द बॉडी, सपोर्ट मतलब होता है सहारा, द मैन कंटिन्यू टू वॉच द बटरफ्लाई, जो आदमी था वो तितली को लगातार देखता रहा, होपिंग उम्मीद के साथ, दैट द विंग्स जो उसके पंख थे इनलार्ज बड़े होंगे, एंड एक्सपैंड और फैलेंगे, टू बी एबल और सक्षम होंगे सपोर्ट द बॉडी, शरीर को सहारा देने के लिए, ठीक है, द मैन कंटिन्यू टू वॉच द बटरफ्लाई होपिंग दैट द विंग्स वुड इनलार्ज एंड एक्सपैंड टू बी एबल टू सपोर्ट द बॉडी। इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, लेकिन आदमी उससे लगातार मतलब उस तितली को लगातार इस उम्मीद के साथ देखता रहा कि उसके पंख बड़े होंगे और फैलेंगे और उसके शरीर को सहारा देंगे, ठीक है, Which would contract in time, contract का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, in time समय के साथ, neither happen, neither happen का मतलब कुछ भी नहीं हुआ, in fact, in fact का मतलब होता है बल्कि, the butterfly spent, the butterfly मतलब तितली, spent का मतलब होता है बिताना, the rest of its life, rest of मतलब होता है बची हुई, its life अपनी ज़िंदगी, crawling, crawling का मतलब होता है रेंगना, रेंगते हुए, ठीक है,
विच वुड कॉन्ट्रैक्ट इन टाइम, मतलब जिसके पंख थे वो और भी ज़्यादा समय के साथ सिकुड़ गए, नीदर हैपन, और कुछ भी नहीं हुआ जैसा उस आदमी ने सोचा था, इन फैक्ट बल्कि द बटरफ्लाई स्पेंड, और तितली को अपनी बची हुई रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ, अपनी बची हुई जिंदगी क्रॉलिंग, रेंगते हुए अराउंड विथ अ स्वेलन बॉडी, अराउंड विथ अ स्वेलन बॉडी, सूजे हुए शरीर, अराउंड विथ अ स्वेलन बॉडी एंड डिफॉर्म विंग्स, डिफॉर्म विंग्स का मतलब होता है अपंग पंख, डिफॉर्म मतलब होता है अपंग, ठीक है, विंग्स मतलब पंख, इट वॉज नेवर एबल टू फ्लाई, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, एबल मतलब होता है सक्षम, फ्लाई मतलब उड़ना, ठीक है, विच वुड कॉन्ट्रैक्ट इन टाइम, नीदर हैपन, इन फैक्ट द बटरफ्लाई स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ क्रॉलिंग अराउंड विथ अ स्वेलन बॉडी एंड डीफॉर्म विंग्स, इट वॉज नेवर एबल टू फ्लाई। इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, लेकिन समय के साथ उसके पंख और सिकुड़ गए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उस आदमी ने उम्मीद की थी, सोचा था, ठीक है, कि वो उड़ेगी, बल्कि तितली को अपनी बची हुई रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ, बची हुई जिंदगी अपने सूजे शरीर और अपंग पंख के साथ बितानी पड़ी, और वो कभी भी उड़ने के लिए एबल टू फ्लाई, मतलब कभी भी उड़ने के लिए सक्षम नहीं हो पाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। What the man in his kindness, what मतलब होता है क्या, the man मतलब आदमी, in his kindness, kindness का मतलब होता है दया, दया का भाव, ठीक है, दयालुता, and haste, haste का मतलब होता है जल्दबाजी, did not का मतलब होता है नहीं, understand का मतलब होता है समझा, was that the restricting, restricting का मतलब होता है रोकना, ठीक है, restrict करना, रोकना किसी चीज़ से, कुकून एंड द स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मीनिंग होता है ज़रूरी, फॉर द बटरफ्लाई, फॉर द मतलब फॉर का मीनिंग होता है लिए, फॉर द बटरफ्लाई मतलब तितली के लिए, ठीक है, व्हाट द मैन इन हिज काइंडनेस एंड हेज डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉज दैट द रिस्ट्रिक्टिंग कुकून एंड द स्ट्रगल रिक्वायर्ड फॉर द बटरफ्लाई। क्या आदमी, व्हाट द मैन इन हिज काइंडनेस, क्या आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में, हेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दबाजी में, यह नहीं समझ सका, डिड नॉट अंडरस्टैंड, डिड नॉट अंडरस्टैंड का मतलब यह नहीं समझ सका कि कुकून को रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना, कुकून को रोकना और तितली का संघर्ष करके, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करके तितली का बाहर आना उसके लिए ज़रूरी था, ठीक है। टू गेट थ्रू द स्मॉल ओपनिंग, गेट मतलब होता है निकलना, थ्रू मतलब में से, द स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल मतलब छोटा, ओपनिंग मतलब छेद, ऑफ द कुकून, कुकून का छेद, ठीक है, आर नेचर्स वे ऑफ फोर्सिंग फ्लूड, आर नेचर्स वे, नेचर्स वे का मतलब होता है प्राकृतिक वे, मतलब प्रकृति का रास्ता, ठीक है, नेचर्स वे ऑफ द फोर्सिंग फ्लूड, फोर्सिंग मतलब किसी चीज़ को फोर्स करके निकालना, मतलब ताकत लगाना, ठीक है, फ्लूड मतलब होता है तरल, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई, शरीर से, तितली के शरीर से, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई, इनटू द विंग्स, इनटू मतलब होता है में, द विंग्स पंख में, ठीक है, टू गेट थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द कुकून आर नेचर्स वे ऑफ फोर्सिंग फ्लूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई, तितली के शरीर से, इनटू द विंग्स और उसके पंख में। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ, कुकून के छोटे से छेद से निकलना यह प्रकृति का नियम है, ठीक है, नेचर्स वे, ताकि फ्लूड तितली के शरीर में, उसके पंख में जा सके, सो दैट इट वुड बी रेडी फॉर फ्लाइट, सो दैट मतलब ताकि, इट वुड मतलब होंगे, बी रेडी मतलब तैयार होना, फॉर फ्लाइट, फ्लाइट मतलब होता है उड़ना, वंस, वंस मतलब होता है एक, इट अचीव्ड, अचीव्ड का मतलब होता है पा लेना, इट्स फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, फ्रॉम मतलब में से, ठीक है, फ्रॉम मतलब में से, द कुकून, कुकून में से, ठीक है, सो दैट इट वुड बी रेडी फॉर द फ्लाइट वंस इट अचीव इट्स फ्रीडम फ्रॉम द कुकून, ताकि वो तैयार हो सके उड़ने के लिए जब वह एक बार अपनी आज़ादी को पा लेगी, फ्रॉम कुकून, कुकून में से। कहने का मतलब ये है कि उस आदमी ने दया में आकर तितली की मदद करनी चाहिए, इसके लिए उसने कुकून को कतर दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ जाए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तितली के पंखों को मजबूत करने के लिए, उड़ने लायक बनाने के लिए उसका कुकून से संघर्ष करके बाहर निकलना प्रकृति का नियम है, ठीक है, प्रकृति का नियम है। तो इस तितली और आदमी की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या लेसन मिलता है, वो देख लेते हैं। तो लेसन है हमारा, समटाइम्स स्ट्रगल्स आर एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, समटाइम्स मतलब कभी कभी, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, और एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है ठीक, व्हाट मतलब जो भी होता है और क्या भी होता है, यहाँ पर व्हाट का मतलब है जो, वी नीड, वी नीड का मतलब, वी मतलब हम, नीड मतलब ज़रूरत, इन मतलब में, अवर मतलब हमारा या हमारी, लाइफ मतलब ज़िंदगी, ठीक है, समटाइम्स स्ट्रगल्स आर एग्जैक्टली व्हाट वी नीड इन अवर
आवर लाइफ। कभी कभी संघर्ष वही होता है जो हमें अपनी ज़िंदगी में जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। इफ़ गॉड का मतलब अगर भगवान अलाउड मतलब अनुमति देना, ठीक है, अलाउड अस मतलब हमें अनुमति दे दें टू गो थ्रू आवर लाइफ विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। गो थ्रू मतलब में से, अवर लाइफ हमारी ज़िंदगी, विदाउट मतलब होता है बिना, किसी के भी बिना, ठीक है। एनी मतलब किसी, ऑब्स्टिकल मतलब किसी भी रुकावट, ठीक है। दैट माइट मतलब होता है, हो सकता है। क्रिपल मतलब होता है अपंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे, लेकिन हाथ पैर वाला अपंग नहीं है कि हाथ पैर टूट जाए, ख़राब हो जाए। क्रिपल मतलब यहाँ पर मीनिंग है कि ज़िंदगी में अगर हमें मतलब जो भगवान है हमारे, वो हमें अनुमति दे दे बिना किसी भी ऑब्स्टिकल के लाइफ को गुजारने के, तो हो सकता है कि हम अपंग हो जाए, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बेहतर ना कर पाए, ठीक है। समटाइम्स स्ट्रगल्स आर एग्जैक्टली वॉट वी नीड इन अवर लाइफ। इफ गॉड अलाउड अस टू गो थ्रू अवर लाइफ विदाउट एनी ऑब्स्टिकल दैट माइट क्रिपल अस, ठीक है। कभी कभी संघर्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर भगवान हमें बिना किसी संघर्ष, बिना किसी रुकावट के जीवन दे दें, तो हो सकता है हम अपंग हो जाएँ, मतलब कुछ भी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ना कर पाएँ। वी वुड नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है उतने मजबूत, एज वी कुड हैव बीन, जितने हम हो सकते हैं। कुड हैव बीन का मतलब जितने हम हो सकते हैं। नॉट ओनली दैट वी कुड नेवर फ्लाई का मतलब कभी नहीं उड़ पाएँ, ठीक है। हम उतने स्ट्रॉन्ग ना हो सके जितने हम हो सकते हैं, हो सकता है हम उड़ ना सकें। यहाँ पर उड़ ना सकते का मतलब ये नहीं है कि हम भी तितली की तरह उड़ने लगेंगे, मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर ना कर सकें, ठीक है। वी वुड नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग मतलब हम उतने मजबूत नहीं होंगे अगर हमारी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है हम उससे सीख सीख के, उसको ठीक करके और उसको पार करके आगे बढ़ते हैं, तो हम मजबूत होते जाते हैं, ठीक है। एज वी कुड हैव नॉट could have been not only that we could never fly, हम उतने strong ना हो सके जितना हम हो सकते थे, हो सकता है हम उड़ ना सकें, इसका मतलब ये है, ठीक है, इस लाइन का। So whenever you encounter, whenever का मतलब होता है जब भी, you मतलब तुम, encounter मतलब सामना, any मतलब किसी, challenges का मतलब होता है चुनौती का। So whenever you encounter any challenges, in life, तो जब कभी भी तुम अपनी ज़िंदगी में, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में चुनौती यानी चैलेंजेस का सामना करें, अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ गॉड्स वे। अंडरस्टैंड दैट का मतलब समझ जाओ, दिस इज़ गॉड्स वे, दिस इज़ मतलब या गॉड्स वे मतलब ये गॉड का तरीका है, भगवान का तरीका है। स्ट्रेंथिंग यू का मतलब होता है, स्ट्रेंथ मतलब कहते हैं ना ताकत, तो स्ट्रेंथिंग यू मतलब आपको ताकतवर बनाने की, मेकिंग मतलब होता है बनाना, यू आर बेटर मतलब होता है बेहतर, एंड मोर मतलब ज़्यादा, ग्लोरियस पर्सन, ग्लोरियस का मतलब होता है तेजस्वी पर्सन मतलब आदमी। सो व्हेनेवर यू इनकाउंटर एनी चैलेंजेस इन लाइफ, अंडरस्टैंड दैट दिस इज गॉड्स वे ऑफ स्ट्रेंथिंग यू, making you a better and more glorious person। तो जब कभी भी ज़िंदगी में आप संघर्ष का सामना करो, संघर्ष या परेशानी का किसी का भी सामना करो, तो समझ जाओ ये गॉड का, भगवान का तरीका है आपको और भी ज़्यादा बेहतर और तेजस्वी और ताकतवर आदमी बनाने का, ठीक है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखा हो, इंग्लिश पढ़ने का तरीका समझा हो। मैंने आपको कोशिश की है एक एक वर्ड की हिंदी बताने की, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर पाओ, सीख पाओ। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए, और वीडियो आप देखना चाहते हो कि मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, तभी मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों की स्टोरी अच्छी लगी हो, इस तरीके की और वीडियो देखनी है, तो मुझे कमेंट में बताओ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।